हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉमीज प्लैनेट इंडिया। मैं पहले भी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। एक क्वेरी मुझसे बार बार पूछी जाती है, जिसमें जो न्यू मदर है वो पूछती हैं कि बच्चा बार बार वॉमिट कर रहा है फीडिंग के बाद, तो क्या करें, ये कितना नॉर्मल है और कब हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। जी हाँ, तो आज हम इसी के बारे में बातें करेंगे कि बच्चे जो छोटे होते हैं वो बार बार वॉमिट क्यों करते हैं, बार बार उल्टी क्यों करते हैं, और मुँह से जो वो फटा हुआ दूध निकालते हैं क्या वो नॉर्मल है, क्या वो सामान्य बात है, या हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है जो मैं हर बार करती हूँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर शेयर करें और देखते रहें मॉम्स प्लैनेट इंडिया। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, खासकर जो 1 से 6 महीने के बच्चे होते हैं, वो कम्प्लीटली दूध पर डिपेंडेंट होते हैं। और अभी क्या होता है, उनका जो ऑर्गन है वो फुली डेवलप नहीं होता, डेवलप हो रहा होता है। तो इस केस में क्या होता है, बच्चे को जब भी फीड कराते हैं तो अक्सर देखते हैं कि फीड के बाद वो थोड़ा सा दूध, फटा हुआ दूध कुछ बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए, इसका कारण ये होता है कि बच्चे को जब आप फीड कराते हैं तो कुछ दूध उनके गले में, उनकी छाती में फंसा रह जाता है, जिस वजह से बच्चा काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करता है। और जैसे ही आप उन्हें कंधे पर लेते हैं या फिर आप उन्हें गोद में लेते हैं तो जो भी दूध वो फटा हुआ होता है बाहर आ जाता है। तो अगर आपके बच्चे फीड के बाद थोड़ा सा फटा हुआ दूध बाहर निकाल रहे हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर वो फीड के बाद सारा का सारा दूध पूरी फोर्स के साथ बाहर निकाल रहे हैं तब ये नॉर्मल नहीं है। अब बात करते हैं ये फटा हुआ दूध बाहर क्यों आता है। देखिए, होता क्या है कि बच्चे की जो ऑर्गन से वो डेवलप हो रही होती है, तो जब आप बच्चे को फीड कराते हैं तो एकदम से वो दूध जो है उनके पेट में नहीं जाता, थोड़ा सा दूध उनके गले में या फिर उनकी छाती में फंसा रह जाता है। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि बच्चे को फीड के बाद आपको डकार दिलाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए छोटा बच्चा है तो मैंने इसे फीड कराया, उसके बाद कम से कम 10 मिनट के लिए आप उस बच्चे को कंधे पर रखें और धीरे धीरे उनके पीठ को कुछ इस तरह सहलाएं। ऐसा करने से क्या होता है, जो बच्चे के गले में दूध फंसी रह जाती है, छाती में फंसी रह जाती है, वो धीरे से बाहर आ जाती है और बच्चा एक आवाज़ के साथ वो जो है डकार लेता है। अगर बच्चा आवाज़ नहीं भी करे, नॉर्मल भी डकार ले, तो भी क्या होता है, दूध नीचे चला जाता है। तो ऐसा कम से कम हर फीड के बाद 10 मिनट ज़रूर करें। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे को जब आप फीड करा रहे होते हैं तो बीच में ही वो मुट्ठी बांधने लगता है, पैरों को काफ़ी घिसने लगता है और काफ़ी अनईजी फील करने लगता है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जो छोटे बच्चे होते हैं खासकर 1-2 महीने के, आप उनको थोड़ी देर फीड कराओ, फिर आप उनको फिर से कंधे पे लो, थोड़ी देर सहलाओ, फिर फीड कराओ। बिकॉज़ वो एक बार में काफ़ी दूध सक कर लेते हैं और जो उनके गले में फंस जाता है। इसीलिए ऐसा आप करें, बच्चे को फीड के बीच में और फीड के बाद भी ज़रूर से ज़रूर डकार दिलाएं, तो बच्चे का दूध जो बाहर निकलने का प्रॉब्लम है वो कम होगा। दूसरा केस ये होता है कि बच्चे फीड के वक्त काफ़ी ज़्यादा दूध फीड कर लेते हैं, बिकॉज़ उन्हें बहुत ज़्यादा अंदाज़ नहीं होता है पेट का, भूख लगी है नहीं है, तो इस वजह से वो क्या होता है, जो ज़्यादा दूध बच्चे फीड कर लेते हैं वो बाहर आता है, तो वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे की फीडिंग में काफ़ी गैप हो गई तो बच्चा काफ़ी भूखा है, काफ़ी तेज़ी से वो सक करने लगता है, पेट उनका भर जाता है, तो जैसे ही हम उन्हें कंधे पर डकार के लेते हैं तो दूध वो बाहर निकाल देते हैं। अगर ऐसा हो रहा है, फटा हुआ दूध बाहर आ रहा है, थोड़ी ज़्यादा मात्रा में भी है, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि हर 2 से 2.5 घंटे के गैप पर आप बच्चे को फीड कराएं, ताकि वो बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा दूध ना सक कर लें। तीसरा कारण ये होता है कि बच्चे को फीड के बाद हम बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करवाने लगते हैं, जैसे उनके साथ खेलने लगते हैं, उन्हें हंसाने लगते हैं या फिर उनको पेट के बल लिटा देते हैं, तो वहाँ भी क्या होता है, पेट पे प्रेशर पड़ता है या फिर छाती पे प्रेशर आता है तो दूध बाहर आ जाता है। तो ये चीज़ अवॉइड करना है। बच्चे को फीडिंग के बाद कम से कम 1/2 घंटे कोई एक्टिविटी ना कराएं, बच्चे को डकार दिलाएं, नॉर्मल लेटे रहने दें, तो इससे क्या होगा, बच्चे का जो दूध है वो अच्छे से स्टमक में चला जाएगा, तो ये उल्टी की प्रॉब्लम नहीं होगी। चौथा कारण ये होता है, बच्चे की फीडिंग पोजीशन सही नहीं होना। जी हाँ, अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप बॉटल फीड करा रही हैं तो दोनों ही केस में आपको क्या करना है, बच्चे को जब भी फीड कराएं तो उनका सिर जो है वो कुछ इस तरह ऊंचा होना चाहिए और पांव नीचे की तरफ, कम से कम आपको 50 से 60 डिग्री के एंगल बनाना है, बच्चे का सिर ऊपर की तरफ रखना है, पांव नीचे की तरफ। आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह बच्चे को लिटाया हुआ है, तो ऐसे आपको करना है। कई माएँ क्या करती हैं, वो बच्चे को लेट के साथ में दूध पिलाती हैं,
तो यहाँ भी जो दूध है वो हो सकता है बच्चे के कान में जाके वो फंस जाए, श्वास नली में फंस जाए, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे को हमेशा बैठ के ही आप फीड कराएं, कुछ इस पोजीशन में कराएं, और हमेशा आपको ध्यान देना है कि बच्चे को फीड के बाद डकार दिलाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चे को कभी भी ये जो उल्टी की प्रॉब्लम है वो बार बार नहीं होगी, थोड़ी बहुत होगी लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। एक केस ये भी होता है कि बच्चे की हेल्थ अच्छी नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चा पूरा का पूरा दूध बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर बच्चे को आप फीड करा रहे हैं और वो पूरा का पूरा दूध बाहर निकाल रहा है, इसका मतलब है बच्चे की हेल्थ अच्छी नहीं है। या तो बच्चे को ठंड लगी है, बच्चे को कोई स्टमक की प्रॉब्लम है, या फिर बच्चे को थोड़ा अनईजी फील हो रहा है। क्योंकि कुछ बच्चों का क्या होता है, उनका सिम्टम होता है, जैसे उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा वॉमिट करेंगे, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा पॉटी करते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। अगर बच्चा पूरा का पूरा दूध बाहर निकाल रहा है, इसका मतलब है बच्चे की हेल्थ अच्छी नहीं है और आपको तुरंत से तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चे फीड के बाद थोड़ा सा दूध बाहर निकालते हैं। अगर थोड़ा सा फटा हुआ दूध आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर पूरा का पूरा दूध बाहर आ रहा है, बार बार ऐसी चीज़ हो रही है, तो प्लीज़ आप बच्चे को जल्द से जल्द डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। तो ये रही नवजात शिशु के बारे में कुछ बातें। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहती हैं, कुछ पूछना चाहती हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं, इन सबका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। इसके अलावा अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और देखते रहें मॉम्स प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।